जय महाकाल फास्ट फूड, दमोह की पहली गाड़ी वाली दुकान अब नए अंदाज में, शिवाजी स्कूल के सामने, सौरभ अग्रवाल, दमोह। सुजुकी एक्सेस 125 कम पीता है। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम किलाइना का बालाकोट रोड दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। कोरोना काल में देश भर में जन सहयोग की मिसाल पेश करने वाले दमोह जिले के समाज सेवियों का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आभार जताया है और कहा है कि जन सहयोग के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। दमोह के जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे मंत्री पटेल ने जिला अस्पताल की सुविधाओं को देखा और मौके पर मौजूद स्वास्थ्य अमले से जरूरतों को भी पता किया। इस अवसर पर मंत्री पटेल ने जिला अस्पताल में बने नए ICU वार्ड का लोकार्पण भी किया। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान आम से लेकर खास तक जिन लोगों ने सहयोग दिया वो अपने आप में सराहनीय है। वहीं जिला अस्पताल में उपकरण और संसाधन मुहैया कराने की वजह से ही कोरोना से जंग जीतने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उन्होंने जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज की तरह सुविधाएं विकसित करने के लिए भी कहा। नहीं, मुझे लगता है कि कोरोना की महामारी के बाद भी जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी उसमें ऑक्सीजन प्लांट आदरणीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन लोकार्पित हुआ है। उसी समय आप सबकी भी राय मशवरे से और सभी जनप्रतिनिधियों का और सहयोग करने वाले सभी व्यक्ति और संस्थानों का मैं सांसद होने के नाते हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आज CSR की एक नई शुरुआत आज होगी, मेरा अभी फिर सबसे आग्रह यही होगा, उसमें हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जो लोग इसमें मदद कर सकते हैं, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। दूसरा, आँखों के इलाज और ऑपरेशन के लिए हमेशा से ये चिंता होती है कि हम उसको सेपरेट रखें। जहाँ तक सवाल आवागमन का है वो बहुत हद तक स्मूथ हुआ है, लेकिन मैं इसे आदर्श नहीं मानता और मैं मानता हूँ इसमें हम सबका सहयोग मिलना चाहिए और ये अनुशासन सभी को, पूरे ज़िलेवासियों को और ज़िले के बाहर से चिकित्सालय तो सबके लिए उपयोग हो सकता है। और मुझे आज देखकर अच्छा लगा कि चीज़ें तेज़ी के साथ अपग्रेड हो रही हैं और सबकी सहमति है, इसलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को वो बधाई देता हूँ। है OPD है, ऑटोमेटिक उनके सिस्टम्स हैं, ये अपग्रेडेशन समय की मांग है और हमें, मुझे लगता है कि करना ही चाहिए ताकि हम कहीं और ना जा पाएं। पानी के निकासी के लिए भी आपने नहीं, स्वाभाविक है कि जहाँ चिकित्सालय होगा वहाँ किसी प्रकार से कोई भी गंदा पानी जमा ना हो। और एक लक्ष्य तय किया है कि STP बनेगा
और हम अस्पताल में उपयोग होने वाला और उससे निकलने वाला ग्रे वाटर वो ट्रीट होकर ही नाले में जाए, और ये शायद सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो काम तेज़ी के साथ शुरू हो रहा है, इसलिए कहीं लो लाइन है एक हिस्सा तो वहाँ से लिफ्ट करके पानी उसमें डाला जाए, ड्रेनेज की निकासी प्रॉपर हो, ये पहली प्राथमिकता है। खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया MBBS DNB आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश, पूर्व चिकित्सक अपोलो हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, उपचार सुविधाएं सभी प्रकार के फ्रैक्चर का आधुनिक पद्धति से ऑपरेशन, घुटनों एवं कूल्हे का प्रत्यारोपण, गठियाबात एवं आर्थराइटिस का उपचार, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, जन्मजात हाथ पैरों के टेढ़ेपन का उपचार, मांसपेशियों एवं झंझनाहट का उपचार, घुटना कमर दर्द हाथ पैर में जकड़न चलने में कठिनाई का उपचार, प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक। अजय मेडिकल एजेंसी, पता डॉक्टर संगीतानी जी की अस्पताल के पास PG कॉलेज के सामने दमोह में उपलब्ध रहेंगे। संपर्क करें 8718357637354200690।